टमाटर सौ रुपए किलो बिक रहा है वाह मोदी जी वाह अरे मोदी को बोल दिया कि तुम अगर वोट देने का वादा करो हाँ। 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 सही कह रही है मैं यू ही मस्त जुमले सुनाता रहूं आप ही लोग तो अफवाह फैलाते हो मैं इसीलिए आप लोगों को टारगेट करता हूँ जनता ढंग की बात सुनते हैं मन की बात नहीं सुनते तो किसकी बात कर रही है हमने अगर मान लीजिए सवाल उठाया सच बोला तो भड़का ना हो गया मणिपुर जल रहा है वाह मोदी जी वाह तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो मैं पिछले पे चाबुक बुक चलाता रहू पराबंद भक्त अपनी एक एक किडनी भी देंगे नमस्कार मैं प्रियंका हमारे साथ कलीम शेख जी हैं जिस तरह से आप टीवी चैनल में तमाम प्रवक्ता को देखते हैं उसी प्रकार कलीम शेख जी सोशल मीडिया के प्रवक्ता बन चुके हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें सुनना चाहते हैं इनको पसंद करते हैं क्योंकि बड़े ही बेबाकी से महंगाई बेरोजगारी भुखमरी भ्रष्टाचार की बातें उठाते हैं कलीम शेख जी लगातार चंद्रशेखर पे हमले हुए उसके बाद फायरिंग हुई गोलियाँ चली उनके उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ लेकिन सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है हालांकि हमलावर पकड़े गए हैं फिर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है उनके चाहने वाले सुरक्षा मांग रहा है इसको कैसे देखते हैं सुरक्षा मिलना चाहिए मैडम जी गंगना रनवट को मिल सकता है तो चंद्रशेखर तो लोगों के लिए काम करते हैं अच्छा काम करते हैं मैं खुद उनसे मतलब मिला हूँ अच्छे व्यक्ति हैं तो मिलना चाहिए बताइए कंगना रनआत में चंद्रशेखर में फर्क है नहीं है तो जब कंगना जो 2014 में आजाद हो जाती है उसे तुम वाई प्लस दे देते हो तो ये तो जनता का नेता है इसे देना चाहिए तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से मणिपुर धू धू करके जल रहा है लेकिन मणिपुर की बात मन की बात में मोदी जी नहीं कह रहे हैं मन की बकवास और भड़ास है हम जनता समझ चुके हैं क्योंकि हम जनता ढंग की बात सुनते हैं मन की बात नहीं सुनते तमाम ढिडोरा पीटा जाता है कि सौ से ज्यादा मन की बात में लेकिन आप कह रहे हैं का मुद्दा होता है क्या, है क्या? बेरोजगारी पर बोलते है क्या महंगाई पर बोलते है क्या महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते है क्या आपको खुद को पता होगा सौवे एपिसोड में पी जी कॉलेज में क्या हुआ था चंडीगढ़ के सैतीस नौ सौ को जबरदस्ती सुनवाया गया था मन की बात तो यही सब होता है अभी सोशल मीडिया में भी एक वायरल देखे थे चित्र जिसमें सरपंच अपने बेटे को और साथ में ग्लूकोज लेकर के मन की बात सुनने जा रही थी तो किसकी बात कर रही है मन की बात की बताइए आप हंस हंस के ये जो सरकार की आलोचना करते हैं इस, इसी को जनता पसंद करती है आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं अच्छा हमने अगर मान लीजिए सवाल उठाया सच बोला तो भड़काना हो गया हम कह रहे हैं कि मन की बात में बेरोज़गारी की बात होनी चाहिए mm. तो ये भड़काऊ है हम कह रहे हैं कि मन की बात में जो है महंगाई की बात होनी चाहिए तो ये क्या भड़काना है हम कह रहे हैं कि मन की बात में शिक्षा की बात होनी चाहिए तो ये भड़काना है हम कह रहे हैं कि मन की बात में महिला सुरक्षा गारंटी की बात होनी चाहिए तो ये क्या भड़काना है क्या आप ही लोग तो अफवाह फैलाते हो मैं इसीलिए आप लोगों को टारगेट करता हूँ तो विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ वाह मोदी वाह मोदी होता है आपको वो नहीं दिखता हाँ टमाटर सौ रुपए किलो बिक रहा है वाह मोदी जी वाह सौ रुपए बिक रहा है ना टमाटर तो यही वाह वाह मोदी जी वाह खुद मोदी जी भी यही बात केते हैं हाँ और फिर जो राशन दे रहे हैं उस पर वाह मोदी जी नहीं कहेंगे मणिपुर जल रहा है वाह मोदी जी वाह ठीक है ना बेरोजगार सड़क पर बेरोजगारी से घूम रहा है वाह मोदी जी वाह महंगाई रोज बढ़ रही है वाह मोदी जी वाह महिलाओं पर सुरक्षा की जो है अभी भी वैसा ही क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वाह मोदी जी वाह अभी आप बोलोगे कि ये गलत बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या ये हमारा मुद्दा है बेसिक मुद्दा है हमारा जनता का मूलभूत सुविधाओं में आता है तमाम अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि आएंगे तो मोदी अगले पचास सालों तक भाजपा सरकार रहेगी देश पे राज करेगी <laughs> सही कह रही है। क्योंकि मैं इनके ऊपर वोट पहले गाना लिखा था चुनाव जीतने का मैं वो जो फंडा है ना उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हु। ये अपने अंधभक्तों से कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो मैं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो मैं तुम्हें देखकर कर बड़बड़ाता रहूं और आगे अंध भक्तों से कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं बेच डाला है मैंने वतन एक सिकंद तेरे माथे पर आई नहीं तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं समझ गई ना वक्तों की बात तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी देश बेच दिए क्या बेच दिए वंदे तो भारत ट्रेन ले आए तमाम स्कीम ला रहे हैं अगर थोड़ा बहुत कुछ सुनिए सुनिए सवाल थोड़ा बहुत अगर निजी हाथों में दे दिया है तो क्या दिक्कत है आ? भारत विकास तो कर रहा है ना सही बात है हुँ. और मैं हम तो जनता है हम अपनी किडनी नहीं देंगे हुँ. पर अब अंधभक्त अपनी एक एक किडनी भी देंगे हाँ मोदी जी को पसंद करते हैं अंधभक्त मत बोलिए पसंद तो हम भी करते थे 2014 में तभी तो हमने शिवसेना को वोट किया था मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी में तो क्या पसंद करना और ये करने में फर्क नहीं है ये बताइए अरे मोदी को बोल दिया जो देशद्रोही है पाकिस्तान चले जाओ ये सब क्या है ये सब भाषा होनी चाहिए अंधभक्तों की चाय की दुकान पर हम ही मिलते हैं ये अंधभक्त लेकिन मुझे बहुत अच्छी आ रही है इस बार कि अब अंधभक्तों की भी अकल ठिकाने आ गई है फर्जी आईडी बना बना के ये लोग भी महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करने, करने लगे हैं हाँ करने लगे हैं अंधभक्त भी अंधभक्त भी परेशान है परेशान है बेचारे और वो लोग अब खुल के क्या है वो तो खुल तलवे तुरी इतने सालों से चाट चुके हैं जीप छील चुकी है तो अब वो खुल के विरोध करते वो नहीं? लोग तो छाती तो चौड़ी, चौड़ी का सुनिए आईडी बनाते हैं सोशल साइडों पर और उस महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं वो लोग तो छाती चौड़ी करके कहते हैं प्रधानमंत्री का छप्पन इंच का सीना है चाइना को लाल आंख दिखा देते हैं। शिकुड़ है? छा, छा, छाती छाती देखिए इधर है मेरा एक इंच का जनता का एक इंच का छीना होता है हाँ हम छप्पन इंच की छाती देख करके नहीं चुना था हमने हमने हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य हमारे देश के बेहतर भविष्य देख करके चुना था तो इसलिए अब छा, छाती को है ना अब हम नाप लिए हैं जनता सिकुड़ गया नौ साल में हाँ नाप लिए सिकुड़ गया है सोलह इंच का हो गया छप्पन इंच से तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ कलीम शेख जी हैं मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस तरह से टीवी चैनलों में बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं उसी प्रकार से ये सोशल मीडिया के प्रवक्ता बन चुके हैं और आम जनमानस की बातें उठाते हैं चाहे वो मुद्दा चंद्रशेखर का हो चाहे महंगाई का हो चाहे बेरोजगारी का हो मुंबई से चल के दिल्ली आ जाते हैं क्योंकि इनको पहलवानों का आंसू नहीं देखा जाता है तभी से लगातार ये सुर्खियों में बने हुए हैं इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता